आप देख रहे हैं अपना समाचार कि आप लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, तो मुझे मंत्र दीजिए, क्योंकि आप लोग लड़ रहे थे गोरों से और हम लोग लड़ रहे हैं चोरों से, तो लड़ाई अभी भी जारी है। तो उन्होंने दिया है और देखिए ये लोग कैसे गोरों को भगाए थे, वैसे ही हम चोरों को भगाएंगे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं अपने बड़े भैया अखिलेश यादव जी को यही कह रहा हूँ कि आपने कभी दूध तो बेचा नहीं है, आपको पता ही नहीं है दूध कैसे बल्टा पे उठा के और बाजार में घूम के बेचा जाता है, वो आपको मालूम नहीं है। पर आप बेचे होते तो आपको पता होता कि दूध का सही जो इस्तेमाल है वो चाय वाला करता है। चाय वाले को पता है कि दूध कितनी मात्रा में डालना है, चीनी कितनी मात्रा में डालना है, अदरक कितनी मात्रा में डालना है और किस आँच में उसको पकाना है, वो चाय वाले को पता है। तो मैं तो अखिलेश भैया को भी कहता हूँ कि आप कहाँ गलत जगह गठबंधन कर लिए। आपको अगर आना ही था तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए होते, देश के हित में खड़े हो गए होते। हम लोग देशभक्त लोग हैं, कहाँ आप देश विरोधी ताकतों के साथ में अपना जो है अलग नारा गुंजा रहे हैं। तो मैं तो उनको आज भी कहता हूँ, क्या है कि हर किसी को अपने विचार से चलने की आज़ादी होनी चाहिए। मेरे बड़े भैया विजय लाल यादव को लगता है कि इस देश को श्री नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया श्री राहुल गांधी जी चलाएंगे, ये उनका विचार है, तो वो उस विचार पे चल रहे हैं। मेरा विचार ये है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जितना बढ़िया इस देश को चला रहे हैं उतना बढ़िया राहुल गांधी कभी जीवन में नहीं चला पाएंगे, इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूँ। तो हर किसी को अपने विचार से चलने की आज़ादी है, यही तो है लोकतंत्र। तो आप आज़ाद हैं, आप जहाँ रहना चाहें वहाँ रहिए, आपको कोई दबाव नहीं दे सकता है। आप तो कभी देखिए ना, एक ही पार्टी के पति किसी और पार्टी में है, पत्नी किसी और पार्टी में है, तो ये कोई बात नहीं है, विचार होती है विचार। नहीं, ऐसी बात नहीं है, नाता तो है, एक खून का रिश्ता तो है ही, उनकी सोच अलग है, विचार अलग है, और उनको लगता है कि अगर वो अखिलेश जी के साथ रहेंगे या उनको सपोर्ट करेंगे, अखिलेश जी के विचारधाराओं से वो सहमत हैं तो उनके साथ हैं, हम मोदी जी के विचारधारा से सहमत हैं तो हम इनके साथ हैं। तो वही विचारधारा वाली बात है, अपनी अपनी सोच वाली बात है ना, मतलब पारिवारिक कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। विजय भैया, अखिलेश भैया आए आजमगढ़ में प्रचार करें, उनका कपड़ा हम धोएंगे, वो थक जाएंगे प्रचार में, उनका पैर दबाएंगे, पर 12 तारीख को कमल का बटन ही दबाएंगे।